हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज़ एनग्रेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ प्रमुख जीआई टैग और जानेंगे कि ये जीआई टैग होता क्या है। दोस्तों, इसके बाद हम एक टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट में आपको ये पता चल जाता है कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिए। और दोस्तों, मैं इसी चैनल पर जीए और जीएस एसएससी एग्ज़ाम के लिए कवर कराता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आपके सामने लेकर आता रहता हूँ, तो आप इसी चैनल पर बने रहिए और एसएससी की तैयारी ठीक से करते रहिए। दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक होते हैं, वो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसे जुड़ जाइए। इसे जुड़ने के लिए आप सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इसे डाउनलोड करने के बाद आप सबसे ऊपर सर्च कीजिए एसएससी एनग्रेव, तो उसमें सबसे ऊपर ये एसएससी एनग्रेव चैनल आपको दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए, इसके थ्रू आप हर समय पढ़ाई से जुड़े रह सकते हो। इसे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करने को मिल जाती है। तो अगर आप एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर एसएससी एग्ज़ाम को सेलेक्ट करिए। इसे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आपको अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट करने को आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर लाइव डाउट क्लास मिल जाती है, टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों, लाइव डाउट क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, इसमें टीचर्स एकदम आपके सामने पढ़ा रहे होते हैं, लाइव पढ़ा रहे होते हैं, तो अगर आपको कहीं डाउट होता है तो एकदम आप क्लियर कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास रूम में बैठे हों। और दोस्तों, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पर सब इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं ये। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स की क्या क्या बेनिफिट है। तो जो सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे लगता है वो ये है, पहला वाला, आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो और वो भी केवल एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा होता है, देखिए अगर आपको कोई टॉपिक एक टीचर्स का समझ में नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक आप किसी दूसरे टीचर से कवर कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी टीचर्स का, तो वो टॉपिक आप किसी दूसरे टीचर से कवर कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर सभी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे आपको, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। दोस्तों, आप इससे जुड़ेंगे कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली होगी, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप 12 मंथ का कोर्स खरीदना चाहते हैं, 12 मंथ के कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का आपको पड़ता है 6000 रुपये। और दोस्तों, अगर आप ये लॉजिक लाइव कोड यूज़ करते हो, LOGICLIVE, अगर ये कोड यूज़ करते हो, इसे अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद ये प्राइस आपको पड़ेगा 5400 रुपये का ओनली, तो काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको यहाँ पर SSC की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो स्क्रीन आपको ऐसी दिखाई देगी, तो यहाँ पर भी अगर आप 12 मंथ का खरीदना चाहते हैं तो ये 6000 रुपये का पड़ेगा। अगर ये कोड आप यूज़ करोगे तो 10% के डिस्काउंट के बाद ये 5400 रुपये का पड़ेगा। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्लानिंग थोड़ी लंबी होती है, तो वो 24 मंथ का खरीद सकते हैं। 24 मंथ के लिए दोस्तों 400 रुपये पर मंथ का यहाँ पर पड़ेगा, तो आपको पूरे 2 साल का पड़ेगा ये 9600 रुपये का। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो। तो 10% के डिस्काउंट के बाद आपको यहाँ पर ये प्राइस इसका पड़ता है 8640 रुपये का, भी सस्ता प्राइस है। दोस्तों, इतने प्राइस में आप 2 साल तक आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो कोड है 10% डिस्काउंट के, ये लिमिटेड होते हैं, आपको हमेशा नहीं मिलने वाले हैं। तो अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है प्रमुख जीआई टैग। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जीआई टैग होता क्या है, क्यों दिया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, जीआई टैग होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, हिंदी में इसे हम कहते हैं भौगोलिक संकेत टैग। तो ये होता क्या, देखिए भौगोलिक संकेत मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का अर्थ एक ऐसा इंडिकेशन से है जो वस्तु के उत्पाद की गुणवत्ता और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब दोस्तों आप समझ रहे होंगे। और जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु का महत्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश का बासमती चावल फेमस है, आप जानते होंगे, और उसे वहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। तो देखिए, कोई भी बाहर का देश अगर इंडिया से बासमती चावल खरीदेगा तो वो कहाँ से खरीदना चाहेगा, तो सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि बासमती चावल को किस राज्य में जीआई टैग मिला हुआ है,
क्योंकि वहीं पर उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, वहाँ पर उस देश को भरोसा होगा कि यहीं पर उसकी गुणवत्ता अच्छी मिल सकती है, तो वो वहीं से ख़रीदना चाहेगा, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक उसका जो रेट होगा, उसका जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। तो सभी जीआई टैग के साथ ऐसा ही होता है, जीआई टैग मिलने के बाद उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और वहाँ के क्षेत्र को उसका बहुत फ़ायदा भी होता है। देखिए, अगर आप अपने घर से बहुत दूर घूमने जाते हो तो आप ये सोचते हो कि यहाँ की पहचान घर के लिए लेके जाई जाए, तो आप ये सोचते हो कि यहाँ पर क्या चीज़ फेमस है, जैसे कि खाने की चीज़ें, मान लो वहाँ का रसगुल्ला फेमस है, वहाँ की जलेबी फेमस है, या वहाँ की सोन पापड़ी फेमस है, तो ऐसी चीज़ें कुछ आप लेकर आते हो घर के लिए। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, पूरे देश में ऐसी ही चीज़ अगर किसी क्षेत्र की फेमस हो जाती है तो वो अगर जीआई टैग के लिए अप्लाई कर दें तो वहाँ पर उसे जीआई टैग मिल जाता है। दोस्तों, जीआई टैग अधिनियम 1999 में आया था और 2003 में इसे लागू किया गया था। इसके लिए एक धारा भी है दोस्तों, धारा 21E, इसे भी देख लीजिए। दोस्तों, अब मैं इसका लोगो दिखाता हूँ आपको। इसका लोगो 2008 में मिला था, मतलब 2008 में इसका लोगो जारी किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, इसका ये लोगो है, तो लोगो में आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है जीआई लोगो एंड स्लोगन। तो ये उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये है क्या, देखिए ये टैगलाइन है, जीआई टैग की टैगलाइन है ये, इसे याद कर लीजिए ठीक से। क्या टैगलाइन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये जो लोगो दिख रहा है, इसे भी आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए किस तरीके से ये बना हुआ है, कौन कौन से कलर हैं इसमें, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं आपको इसके हेडक्वार्टर बताता हूँ। तो भारत में देखिए, यहाँ यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर हैं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और न्यू दिल्ली। दोस्तों, इसको WTO द्वारा दिया जाता है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और दोस्तों, इसका पंजीकरण जो होता है वो 10 साल के लिए मान्य होता है, 10 साल के बाद फिर ये रिन्यू कराना पड़ता है। और भारत में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक नगर है दार्जिलिंग। तो वहाँ की चाय को भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था। और भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग कहाँ मिले हैं, कर्नाटक को मिले हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो SSC जैसे एग्ज़ाम के लिए ये दोनों फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को ठीक से याद कर लीजिए आप। दोस्तों, इसके बाद हम भारत के अलग अलग राज्यों के कुछ जीआई टैग को देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, वरना काफ़ी इसके जीआई टैग हैं तो हम सबको नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हम केरल की बात करते हैं। देखिए, केरल में इन्हें सबको जीआई टैग मिला हुआ है, मरयूर गुड़, वृक्ष नीलाम्बर टीक, पान का पत्ता, तिरूर सुपारी, इन सबको याद कर लीजिए आप। इसके बाद दोस्तों, कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में सिरसी सुपारी, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफ़ी, बाबा बुदनगिरी कॉफ़ी। तो देखिए, इस तरीके के नाम हैं कर्नाटक में, हैं क्योंकि साउथ में है, तो साउथ में थोड़ी भाषा चेंज हो जाती है यहाँ से, तो इसके नाम भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में किसे किसे जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये तो मैंने आपको बताया था, दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था, ये भी आप याद कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, गोविंद भोग चावल। इसके बाद दोस्तों, छऊ मुखोटा, इसे मिला हुआ है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में देखिए, कड़कनाथ चिकन, इसे मिला हुआ है, और बासमती को मैंने आपको बताया था। और इसके बाद देखिए दोस्तों, असम में बोकासोल चावल को मिला हुआ है। इसके बाद तमिलनाडु में देखिए, कुछ नाम ऐसे ही आपको मिलेंगे, डिंडीगुल के ताले, इरोड हल्दी, पतमड़ाई चटाई, पलानी पंचामृतम, तो ये इंपॉर्टेंट हैं तमिलनाडु में, इसे याद कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, उड़ीसा की बात करते हैं हम, तो उड़ीसा में कंधुमाल हल्दी, उड़ीसा के रसगुल्ले, और महाराष्ट्र में सांगली हल्दी, कोल्हापुर चप्पल, अल्फांसो आम। इसके बाद दोस्तों देखिए, बिहार में शाही लीची, सिलाव खाजा, कतरनी चावल, जरदालू आम, मगही पान, तो इन्हें सबको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में जीरा फूल को मिला हुआ है। जीरा फूल कोई जीरा नहीं है, ये धान की एक किस्म होती है, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में देखिए आप, आंध्र प्रदेश में मिला हुआ है अरकू कॉफ़ी को, ठीक है। इसके बाद मिजोरम में देखिए, और मिजो पुआनचई सॉल को मिला हुआ है, ठीक है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट जीआई टैग थे, इन्हें देख लीजिए आप ठीक से। इसके बाद हम टेस्ट लगाते हैं। तो देखिए, ये टेस्ट है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
तो दोस्तों टेस्ट से आपको ये पता चल जाता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला GI टैग किस उत्पाद को दिया गया था? तो बताइए दोस्तों, मैंने दो बार आपको अभी पीछे बताया है किसे दिया गया था, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दार्जिलिंग की चाय को। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सिलाफ खाजा को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो बताइए दोस्तों किसे दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बिहार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में किस राज्य की कंदमाल हल्दी को GI टैग दिया गया है? तो बताइए दोस्तों किस राज्य की कंदमाल हल्दी को GI टैग दिया गया है, मैंने अभी आपको बताया था। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, GI टैग किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दिया जाता है या शासित होता है? तो बताइए दोस्तों, मैंने आपको बताया था, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन वी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पांचवा है, हाल ही में किस राज्य के कड़कनाथ मुर्गा को GI टैग दिया गया है? कड़कनाथ मुर्गा किस स्टेट का GI टैग है, मतलब किस स्टेट में इसे GI टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक है, याद कर लीजिए ठीक से इसे। और मध्य प्रदेश में और किसे दिया गया था? बांसवती को। अब दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कतरानी चावल को GI टैग दिया गया है? ये हाल ही में दोस्तों हर समय हाल ही में नहीं रहेगा, अगर कोई करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हाल ही में लिखा हुआ होता है, तो ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिए। तो किस राज्य के कतरानी चावल को GI टैग दिया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बिहार के कतरानी चावल को GI टैग मिला है, मतलब दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सातवां है, हाल ही में किस राज्य के अल्फांसो आम को GI टैग दिया गया है? तो बताइए दोस्तों किस राज्य के अल्फांसो आम को GI टैग मिला है? सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अब दोस्तों नेक्स्ट है, मार्च 2019 में किस राज्य की इरोड हल्दी को GI टैग दिया गया है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नवा क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को इनमें से किसके लिए GI टैग दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जीरा फूल है क्या? ये जीरा नहीं है, मैंने आपको बताया था क्या है, धान की एक किस्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्नाटक राज्य को किसके लिए GI टैग दिया गया है? तो कर्नाटक में देखिए इन चारों में से किसके लिए GI टैग दिया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिरसी सुपारी, ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपके दिमाग में इन्हें याद करने के लिए कोई ट्रिक है तो ट्रिक से याद कर लीजिए, अगर आप इन्हें एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत जल्दी भी याद हो जाएगा और बहुत बाद तक भी याद रहता है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी ट्रिक आ रही है तो ट्रिक से याद कर लीजिए। तो दोस्तों बस ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन करने से आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।